हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एट होम। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। रिमेंबर वी आर डूइंग इकोनॉमिक्स, द लेसन नंबर 9, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। बेटे ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड क्या होती थी? ठीक है, व्हेन एडी इज लेस देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एक्सेस डिमांड क्या होती थी? व्हेन एडी इज मोर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बेटे डेफिशिएंट डिमांड से क्या क्रिएट हुआ था? डिफ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड से क्या क्रिएट हुआ था? इन्फ्लेशनरी गैप। बेटे अब देखिए द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, यानी इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप में दोनों का डिफरेंस देखिए। पहला देखिए, इन्फ्लेशनरी गैप इट इज द एक्सेस ऑफ एडी। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या था बेटा? एडी आपकी ज्यादा थी एएसए कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल, तो इट इज द एक्सेस ऑफ एडी ओवर एंड अबव इट्स लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से एडी क्या हो गई थी? हाई हो गई। सो इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन देयर इज द एक्सेस ऑफ एडी, ठीक है, एक्सेस ऑफ एडी ओवर एंड अबव व्हाट इज रिक्वायर्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो एडी हमें चाहिए थी बेटे वो उससे हाई हो गई, ओवर एंड अबव हो गई, जिसके कारण एक इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो गया। डिफ्लेशनरी गैप में देखिए इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ एडी। डेफिशिएंसी का मतलब बेटे कमी, यानी कि ये एडी की कमी के कारण हुआ। फ्रॉम व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि जो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए था उससे बेटे डिमांड कम रहेगा, सो इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ एडी व्हाट इज रिक्वायर्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, सेकंड देखिए, इन्फ्लेशनरी गैप इज क्रिएटेड व्हेन एडी इज मोर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो बेटे इन्फ्लेशनरी गैप कब क्रिएट होता है? व्हेन एडी इज मोर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। डिफ्लेशनरी गैप कब क्रिएट होता है? व्हेन एडी इज लेस देन एएस। एडी कम है बेटे, डेफिशिएंट है डिमांड, कम रहेगी डिमांड। इट अकर्स व्हेन एडी इज लेस देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। थर्ड देखिए, इन्फ्लेशनरी गैप लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉन्स्टेंट। बेटे क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप में एडी हाई है फ्रॉम एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट से हाई है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऑल आर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, ऑल आर गेटिंग द वर्क, यानी कि सबको काम मिल चुका है बेटे, ठीक है, और कोई भी बेरोजगार नहीं है। अब बेरोजगार नहीं है बेटे तो इसका मतलब आउटपुट हम बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि आउटपुट बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा लेबर चाहिए और लेबर आपके पास है ही नहीं, क्योंकि सब लोगों को काम ही मिल चुका है। इसीलिए द लेवल ऑफ आउटपुट इज रिमेन कॉन्स्टेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी कि बेटे इन्फ्लेशन गैप में आप आउटपुट को नहीं बढ़ा सकते, जो एक्सेस डिमांड है उसे आपको बेटे प्राइस को बढ़ाकर ही खत्म करना पड़ेगा। सो आउटपुट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। यहां देखिए डिफ्लेशन गैप में द लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जितना आप आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते थे उससे आपका कम रह गया, क्योंकि डिमांड कम है बेटे, तो प्रोड्यूसर आउटपुट को घटा देगा और लेबर को रिमूव कर देगा और लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाएगी बेटे। तो इसीलिए डिफ्लेशन गैप में द लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फोर देखिए, देर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशनरी गैप है बेटे, सब लोगों को काम मिल चुका है, सो देर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। डिफ्लेशनरी गैप में देर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और लास्ट है बेटे, इन्फ्लेशनरी गैप के कारण इसका कॉन्सिक्वेंस क्या था? द वेज प्राइस स्पायरल। बेटे एक वेज प्राइस स्पायरल क्रिएट हुआ था, जिसमें प्राइस बेटे वेज को कैच कर रही थी, ठीक है, और वेज कैच को प्राइस कर रहे थे। दोनों के बढ़ने का कारण एक दूसरे से थे, दोनों ही कोर्स थे, दोनों ही इफेक्ट थे बेटे। वेज कैचिंग द प्राइस, प्राइस कैचिंग द वेज। वेज आर इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस एंड प्राइस आर इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वेजेस, ठीक है बेटे। जबकि जो जीडीपी थी वो क्या रहती थी? कॉन्स्टेंट रहती थी। डिफ्लेशनरी गैप में देखिए इट इज लीड्स टू अ लो इक्विलिब्रियम ट्रैप। बेटे इसे लो इक्विलिब्रियम ट्रैप आता था, लो एडी के कारण बेटे इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट हर्ट होती थी, जिसके कारण लो आउटपुट आता था बेटे। लो आउटपुट के कारण लो इनकम क्रिएट होती थी बेटे, लो इनकम के कारण अगेन लो एडी आपकी रहती थी। लो एडी से शुरू हुआ, लो एडी पर ही खत्म हुआ, एवरीथिंग इज लो, आउटपुट इज लो, इनकम इज लो, ठीक है बेटे, कंजप्शन इज लो, एडी इज लो, सो लो इक्विलिब्रियम ट्रैप आपका क्रिएट होता था। तो ये दोनों था बेटे इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप में डिफरेंस, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका है मेजर्स टू करेक्ट द डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। हमने पढ़ा था बेटे डेफिशिएंट डिमांड व्हेन एडी इज मोर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एक्सेस डिमांड, ठीक है, और डेफिशिएंट डिमांड हमने पढ़े थे बेटे। दोनों ही सिचुएशन खराब होती है, दोनों ही सिचुएशन इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप का कारण होती है।
एक इकोनॉमी को स्टेबिलिटी में आने के लिए बेटे, एक कंट्री को स्टेबिलिटी में आने के लिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को खत्म करना पड़ता है, यानी कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को हमें खत्म करना पड़ेगा बेटे। ठीक है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे बेटे, गवर्नमेंट और जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, ठीक है, वो दोनों आपस में बेटे पॉलिसियां बनाएंगे और उसको एंड करने का शुरू करेंगे। तो बेटे जैसे ही इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हम सही करने की बात करेंगे तो हमारा एक नया टॉपिक आ जाएगा, मेजर्स टू करेक्ट द डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड एंड द स्टडी ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बेटे देश की गवर्नमेंट की होती है और मॉनेटरी पॉलिसी देश के सेंट्रल बैंक की होती है। ठीक है बेटे, अब देखिए व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। सबसे पहले तो फिस्कल मेजर्स या फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, इसकी एक मीनिंग देख लीजिए। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी इज द, ये बेटे मैंने गवर्नमेंट बजट वाले लेसन में भी आपको पढ़ा दिया था वैसे तो, फिस्कल पॉलिसी इज रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेटे गवर्नमेंट की रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी रिलेटेड पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं बेटे, फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी के जरिए गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सही करती है। मॉनेटरी पॉलिसी बेटे कौन सी होती है, द आरबीआई पॉलिसी टू करेक्ट द मनी सप्लाई। ठीक है बेटे, मनी सप्लाई को सही करने की जो उसकी पॉलिसी होती है उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं बेटे। इस पॉलिसी का यूज करके मनी सप्लाई के लेवल को मेंटेन रखती है आरबीआई। ठीक है, मनी सप्लाई के एक पर्टिकुलर लेवल को मेंटेन करके चलती है। हमारा डिस्कशन बेटे इस वीडियो में फिस्कल मेजर्स पे रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम मॉनेटरी मेजर्स आपको कराएंगे। तो फिस्कल पॉलिसी हमने आपको बताते हैं, फिस्कल पॉलिसी इज द रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट बेटे। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ रिवेन्यू अर्न करती है टैक्स के थ्रू, कुछ खर्चे बेटे करती रहती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी है वो आपकी फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। और फिस्कल पॉलिसी के जरिए गवर्नमेंट बेटे डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को करेक्ट करती है। ठीक है, अब देखिए बेटे फिस्कल पॉलिसी के कॉम्पोनेंट देखिए, कितने कॉम्पोनेंट्स का यूज करके ये बेटे डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को सही करती है। सबसे पहला है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बेटे। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसे अभी वन बाय वन में डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा बेटे। सेकंड होता है आपका टैक्सेस, थर्ड होते हैं आपके पब्लिक डेट। ठीक है, पब्लिक डेट या पब्लिक बोरोइंग्स इसे हम कहते हैं बेटे। और फोर्थ आपका होता है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, बोरोइंग From RBI। तो बेटे ये चार कॉम्पोनेंट होते हैं जिसके जरिए गवर्नमेंट डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को सही करती है। ठीक है बेटे, अब हम वन बाय वन इन सबको डिस्कशन करेंगे। देखिए बेटे, पहला कॉम्पोनेंट आपकी फिस्कल पॉलिसी का होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो बेटे ये फिस्कल पॉलिसी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले होता है बेटे एक्सपेंडिचर मेड ऑन द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम या डिपार्टमेंट बेटे, लाइक रोड, डैम्स, ब्रिजेस, हाईवेज, ठीक है, ईटीसी और सेप्टर, ऐसे बहुत से। तो बेटे गवर्नमेंट किस पर खर्चा करती है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपको पता है, जो रोड, डैम, पुल्स, ब्रिजेस, हाईवेज, एनएचआईए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब काम करते हैं बेटे। तो ये पहला खर्चा हो गया गवर्नमेंट का मेन। सेकेंड होता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड पब्लिक वेलफेयर बेटे। ठीक है, एजुकेशन एंड पब्लिक वेलफेयर। तो बेटे लोगों के कल्याण के लिए और एजुकेशन पर गवर्नमेंट खर्चा करते बेटे, हेल्थ फैसिलिटी हो गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स खुलवाती है बेटे, बच्चों को मुफ्त में किताबें वगैरह, बुक वगैरह, ड्रेस वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह, साइकिल्स वगैरह बांटते बेटे, इस पर भी गवर्नमेंट का खर्चा होता है। थर्ड है बेटे एक्सपेंडिचर ऑन द डिफेंस ऑफ ए कंट्री। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट ऑन डिफेंस ऑफ ए कंट्री बेटे, डिफेंस ऑफ ए कंट्री। तो जो भारत का डिफेंस है बेटे उस पर भी तो गवर्नमेंट खर्चा करती है, उस पर भी तो बेटे ठीक है इन्वेस्टमेंट करती है। एंड मेंटेनेंस ऑफ
लॉ एंड ऑर्डर बेटे, लॉ एंड ऑर्डर को बेटे बनाए रखती है, पुलिस प्रशासन को अपॉइंट करते बेटे, कोर्ट होते हैं वकील को अपॉइंट करती है, जजेस को अपॉइंट करती है, कितने खर्चे करते बेटे, पुलिस को बेटे कितनी ज़्यादा सैलरी देती है, तो इन सब भी गवर्नमेंट क्या करती है आपका खर्चा करते बेटे। और फोर्थ टाइप का खर्चा है वेरियस टाइप ऑफ सब्सिडीज, वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडीज गिवन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बेटे अलग अलग तरह की सब्सिडीज देती है, और दोनों को ही देती है, प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर दोनों को ही बेटे सब्सिडीज ये प्रोवाइड करती है। तो ये होते हैं बेटे गवर्नमेंट के खर्चे जो हमने आपके लिए डिटेल बनाई। सबसे पहले गवर्नमेंट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम पर खर्चा करती है, ठीक है, जिसे हम फिक्स इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं बेटे, रोड डैम्स पुल्स बीचेस हाईवेज जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की। सेकंड हो गया एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट स्कूल्स यूनिफॉर्म ड्रेस। थर्ड एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट ऑन डिफेंस इक्विपमेंट बेटे, डिफेंस पर जो लोग बैठे हुए उन पर खर्चा करते हैं, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं। और लास्ट बेटे वेरियस टाइप ऑफ सब्सिडीज गवर्नमेंट ग्रांट करती है बेटे, ठीक है। तो ये हो गए गवर्नमेंट के खर्चे। अब बारी आ जाइए आपकी मेन चीज पर बेटे, डेफिशिएंट डिमांड और, ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को सही करने की। बेटे एक चीज ध्यान रखिए, डेफिशिएंट डिमांड को अगर मैं डिफ्लेशन कह दूं तो बेटे आप गलत नहीं समझिएगा, ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड को अगर मैं डिफ्लेशन कह दूं तो इसे गलत मत समझिएगा, और इसी तरह बेटे एक्सेस डिमांड को अगर मैं इन्फ्लेशन कह दूं तो सही मत समझिएगा, ठीक है, सही मत समझिएगा बेटे, ठीक है। तो ये बात है आपकी। तो ये चार तरह के खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट करती है। अब सोचिए इफ देयर इज अ इन्फ्लेशन प्रिवेल इन द मार्केट, ठीक है बेटे, अब अगर इन्फ्लेशन है मार्केट के अंदर बेटे, सोच के देखिए, देयर इज अ इन्फ्लेशन प्रिवेल इन द मार्केट, इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती बेटे वेयर एडी इज हाई, एडी हाई है, आउटपुट भी आपका हाई है, इनकम भी आपकी बेटे बहुत ज्यादा हाई है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हाई है, लोग इनकम बहुत कमा रहे हैं इसलिए डिमांड कर रहे हैं, इसलिए एडी हो गई, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं बेटे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, व्हाट विल गवर्नमेंट डू बेटे, तो जब इन्फ्लेशन होती है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बेटे रिड्यूस कर देगी। सोच के देखिए, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देगी, रोड डैम्स पुल ब्रिजेस पर कम खर्चा, एजुकेशन पर कम खर्चा बेटे, ठीक है, डिफेंस पर कम खर्चा, सब्सिडी को बेटे डाउन करना शुरू कर देगी, इन्वेस्टमेंट कम करेगी, ठीक है, आउटपुट घटेगा बेटे, लोगों की इनकम घटेगी, इनकम घटेगी तो लोग कम डिमांड करना शुरू करेंगे, और कम डिमांड करना शुरू करेंगे बेटे तो जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, यानी जो एक्सेस डिमांड है उसे हम सही कर देंगे बेटे, ठीक है, अपने खर्चों को घटाकर, क्योंकि डिमांड लोग ज्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास इनकम बहुत आई है, तो उनकी इनकम हमें खत्म करनी है अपनी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करके। तो बेटे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जैसे कम होंगे उनकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो एडी का लेवल घटना शुरू हो जाएगा बेटे, जब डिमांड ही कम होने शुरू हो जाएगी तो जो जनरल प्राइस का लेवल है वो भी घटता चला जाएगा, इन्फ्लेशन कॉम्बैट हो जाएगी, इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल्ड हो जाएगी बेटे, ठीक है। तो समझ आ गया आपको इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट अपने खर्चों को घटाकर। आगे देखिए, इफ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इन द मार्केट बेटे, डिफ्लेशन की सिचुएशन है, डिप्रेशन की सिचुएशन, डिप्रेशन बेटे एक ऐसी सिचुएशन है जहां प्राइस लगातार गिरते जा रहे हैं, प्राइस क्यों गिर रहे बेटे, बिकॉज एडी इज लो, डिमांड बहुत कम है लोगों की, क्योंकि लोग इनकम ही नहीं कमा रहे, इनकम ही नहीं कमा रहे तो खर्चा कहां से करेंगे, डिमांड कहां से करेंगे बेटे। तो हमें करना क्या है, डिमांड को बढ़ाना है, डिमांड कैसे बढ़ाएंगे बेटे, लोगों को इनकम बढ़ाकर, इनकम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, दे विल सिंपली इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बेटे, एक्सपेंडिचर को अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना शुरू कर देगी, बढ़ाना शुरू कर देगी, नई इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी, पूरे रोड्स ब्रिजेस बनाना शुरू करेगी, एजुकेशन बेटे एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना शुरू करेगी, पब्लिक हॉस्पिटल खोलना शुरू करेगी बेटे, लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा पुलिस की भर्ती करेगी, ज्यादा लोगों को काम मिले, ज्यादा इनकम कमाए, डिमांड करना शुरू करे बेटे, ठीक है। डिमांड जब हाई होती है, किसी चीज की डिमांड बढ़ने शुरू होती है तो उसके प्राइस भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो कॉम्बैट हो जाते हैं बेटे, क्या हो जाती है, कॉम्बैट हो जाती है। यहां पर इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट लिक्विडिटी को सोखती है बेटे, लिक्विडिटी कम करने की कोशिश करती है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा होने के कारण इन्फ्लेशन हाई है बेटे, तो गवर्नमेंट को लिक्विडिटी को सोखना है, यहां से सोखना है, खत्म करनी है लिक्विडिटी, और यहां बेटे लिक्विडिटी खत्म है तो वहां लिक्विडिटी लेकर आनी है, लिक्विडिटी को इंट्रोड्यूस करना है यहां पर बेटे। तो यहां पर लिक्विडिटी सोखनी होती है इन्फ्लेशन में, और डिफ्लेशन में लिक्विडिटी बढ़ानी होती है। इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करके लिक्विडिटी को सोख लेगी और इन्फ्लेशन को खत्म कर देगी, और डिफ्लेशन में बेटे एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर मनी इंट्रोड्यूस करेगी, इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस करेगी और लिक्विडिटी लेकर आएगी बेटे।
बेटे गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का सेकंड कंपोनेंट है आपका टैक्सेस। अभी हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पढ़े, अब टैक्सेस, टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का काम करते हैं, वो खर्चे होते हैं। गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी को ही हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अब व्हाट आर टैक्सेस, टैक्सेस होते क्या है, देखिए टैक्स आर कंपल्सरी, टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, ठीक है, टू द गवर्नमेंट मेड बाय हाउसहोल्ड, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर ETC एक्सेप्टर। तो बेटे टैक्सेस एक कंपल्सरी पेमेंट, कंपल्सरी मतलब बहुत जरूरी, अगर आप हाई इनकम कमा रहे हो तो आपको टैक्स बेटे पे करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, मेड टू द गवर्नमेंट बाय द हाउसहोल्ड। तो हाउसहोल्ड, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट जो होती हैं, कंपनियां होती हैं, ये बेटे कंपल्सरी पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, जिसे हम टैक्स कहते हैं, और ये गवर्नमेंट की रिवेन्यू है। दिस इज अ रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट बेटे, ठीक है, ये रिवेन्यू होते बेटे गवर्नमेंट के। अब देखिए, अब गवर्नमेंट को करना क्या है बेटे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सही करना है। रिमेंबर, इन्फ्लेशन यानी कि एक्सेस डिमांड, और बेटे डिफ्लेशन यानी कि डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड। अब सोच के देखिए बेटे, इट इज अ केस ऑफ इन्फ्लेशन, एक्सेस डिमांड है, यानी कि AD इज हायर देन AS, यानी AD इज मोर देन AS बेटे, AD इज हायर देन AS एक्सेस डिमांड के अंदर। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस AD को रिड्यूस करने के लिए। AD कब रिड्यूस होगी बेटे, जब लोग की डिस्पोजेबल इनकम में कमी आएगी, लोग की इनकम में कमी आएगी, वो खर्चा भी कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे, AD का लेवल गिरना शुरू हो जाएगा, और गिरता रहेगा जब तक वो AS के इक्वल ना आ जाए बेटे। सो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द टैक्सेस, गवर्नमेंट विल इंक्रीज द टैक्सेस टू रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल, ठीक है बेटे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी बेटे, इन्फ्लेशन के केस में टैक्सेस को बढ़ा देगी, ताकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में कमी आए, डिस्पोजेबल इनकम में कमी आएगी, देन पीपल विल डिमांड लेस, देन पीपल विल डिमांड लेस, क्योंकि बेटे इनकम घटी है तो उनकी डिमांड भी कम होनी शुरू हो जाएगी, डिमांड लेस होने के कारण बेटे AD का लेवल गिरना शुरू हो जाएगा, एंड AD स्टार्टिंग टू डिक्रीज, AD बेटे डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी अनटिल AD इज इक्वल टू AS, ठीक है बेटे। इस तरह से जब दोनों एक दूसरे के इक्वल आएगा तो इकोनॉमी अपने आप को काम पाएगी, स्टेबिलिटी में बेटे इकोनॉमी अपने आप को पाएगी। तो इस तरह से हम टैक्सेस को बढ़ाकर इन्फ्लेशन की सिचुएशन को सही कर सकते हैं। अब देखिए डिफ्लेशन है मार्केट के अंदर, डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है बेटे वेयर इन्वेस्टमेंट इज लो, आउटपुट इज लो, इनकम इज लो, दैट इज वाई AD इज ऑल्सो लो बेटे, लो इक्विलिब्रियम ट्रैप होता है डिफ्लेशन की सिचुएशन में, ठीक है, क्योंकि बेटे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, आउटपुट बहुत कम है, इनकम बहुत कम है, तो इनकम बहुत कम है तो लोग डिमांड ही नहीं करेंगे बेटे। सो गवर्नमेंट क्या कर सकती है टैक्स के रूप में, द गवर्नमेंट सिंपली डिक्रीज द टैक्सेस, व्हाट विल गवर्नमेंट डू, द गवर्नमेंट डिक्रीज द टैक्सेस बेटे, टैक्सेस को कम करना शुरू कर देगी बेटे। पहले मान लीजिए 10% थी टैक्स की रेट, तो अब 5% कर देगी, दिस विल इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, देखिए दिस विल इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल, हेंस They will demand more बेटे, वो डिमांड ज्यादा करना शुरू करेंगे, जैसे ही डिमांड बेटे शुरू होनी शुरू होगी, प्राइस जो है वो बढ़ने शुरू होंगे बेटे, प्राइस बढ़ने शुरू होंगे, डिफ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। यहाँ क्या था बेटे, AD इज लेस देन AS था, ठीक है, AD लेस देन था AS से, डिमांड बहुत कम कर रहे थे लोग, लेकिन जैसे ही लोग की डिस्पोजेबल इनकम बढ़नी शुरू होगी तो वे डिमांड को हायर करना शुरू करेंगे, हायर करना शुरू करेंगे तो AD और AS फिर से एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी, और जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है उसे हम कुंबाट सक्सेसफुली कर लेंगे बेटे। थर्ड कंपोनेंट है आपका फिस्कल पॉलिसी का पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेट, ठीक है, देखिए गवर्नमेंट डायरेक्टली बोरो फ्रॉम पब्लिक टू क्रिएट पब्लिक डेट, ठीक है बेटे। तो गवर्नमेंट जब डायरेक्ट पब्लिक से ही बोरो करना शुरू कर दे बेटे, ठीक है, तो इससे हमें पब्लिक डेट कहते हैं। गवर्नमेंट कैसे बोरो करते बेटे आम जनता से, गवर्नमेंट आम जनता में बॉन्ड या फिर डिबेंचर इशू कर देते बेटे,
डिवेंचर या बॉन्ड्स इशू कर देती है, फिर आम जनता उसे खरीदते बेटे, और इसके जरिए पब्लिक डेट क्रिएट हो जाता है, यानी गवर्नमेंट आम जनता से उधार ले रही है, डेट ले रही है, लोन ले रही है एक तरह से, ठीक है बेटे। अब देखिए इस पब्लिक डेट को कैसे यूज करते हैं गवर्नमेंट टू करेक्ट द इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन बेटे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पब्लिक डेट पता होना चाहिए क्या होता है। व्हेन गवर्नमेंट डायरेक्टली बोरो फ्रॉम पब्लिक देन इट इज कॉल्ड पब्लिक डेट, ठीक है। द गवर्नमेंट क्रिएट पब्लिक डेट बाय बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक से बोरो करके, जनरल पब्लिक से उधार लेके गवर्नमेंट बेटे पब्लिक डेट क्रिएट करती है। अब इस पब्लिक डेट का यूज गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सही करने में कैसे करते बेटे। इन्फ्लेशन का मतलब है एक्सेस डिमांड और डिफ्लेशन का मतलब बेटे डेफिशिएंट डिमांड। ये आपको पता होना चाहिए, ये आप जब वीडियो लगातार कंटिन्यूअसली देखोगे तब आपको पता लगेगा बेटे, ठीक है। अब देखिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन क्या होते है बेटे, व्हेन एडी इज हाई, डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, और डिमांड हाई होने के कारण बेटे आपके प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। प्राइस क्यों हो रहे हैं बेटे, क्योंकि लोगों की इनकम बहुत हाई है, जब लोगों की इनकम हाई होती है तभी तो वो डिमांड हाई करते हैं बेटे। तो ये सिचुएशन है इन्फ्लेशन की। तो लोगों के पास इनकम बहुत ज्यादा हाई है, तो बेटे अगर मुझे डिमांड को कम करना है तो उनकी इनकम को रिड्यूस करना पड़ेगा। जब उनके पास इनकम होगी नहीं तो वो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे बेटे तो डिमांड गिरनी शुरू होगी, डिमांड गिरेगी तो प्राइस भी उसके साथ गिरेंगे, और जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो सही हो जाएगी बेटे। सो एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट इंक्रीजेज पब्लिक डेट। तो बेटे इन्फ्लेशन के टाइम में गवर्नमेंट जो है बेटे पब्लिक डेट को बढ़ा देगी, लोगों से बहुत ज्यादा उधार लेना शुरू करेगी, सो दैट लिक्विडिटी इज सॉक्ड फ्रॉम द मार्केट। तो बेटे मार्केट से लिक्विडिटी को सोखने के लिए, खत्म करने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक डेट्स को बढ़ा देगी, लोगों से बहुत ज्यादा पैसा उधार लेना शुरू करेगी। जब लोग बेटे गवर्नमेंट को उधार दे देंगे तो उनके पास कुछ बचेगा नहीं, उनके पास बचेगा नहीं बेटे तो वो डिमांड कम करना शुरू करेंगे, यानी डिमांड घटनी शुरू हो जाएगी। जिस चीज की डिमांड नहीं होती बेटे उनके प्राइस घटने शुरू हो जाते हैं, प्राइस घटने शुरू होंगे बेटे तो जो इन्फ्लेशन है आपकी, जो तेजी का दौर लगातार चल रहा है वो इन्फ्लेशन का दौर बेटे सही हो जाएगा, लिक्विडिटी हो जाएगी, लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मार्केट के अंदर थी बेटे, ठीक है। तो इस तरह लिक्विडिटी को सोख लेगी गवर्नमेंट। आगे देखिए डिफ्लेशन बेटे एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां एडी बहुत लो है, एडी लो होने के कारण बेटे जो प्राइस है वो बहुत लो होंगे, क्योंकि जब बिकेगा ही नहीं प्रोड्यूसर का माल तो वो प्राइस को घटाएगा बेटे। प्राइस लो है क्योंकि इनकम आपकी लो है, इनकम लो है इसलिए लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, डिमांड नहीं कर रहे इसलिए प्राइस घटते जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन को गवर्नमेंट कैसे सही करेगी, तो गवर्नमेंट विल रिड्यूस, अब देखिए गवर्नमेंट विल रिड्यूस पब्लिक डेट। तो पब्लिक डेट को गवर्नमेंट बेटे रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी, जो गवर्नमेंट ने उधार ले रखा होगा ना वो भी पब्लिक को वापस करना शुरू कर देगी, ताकि मार्केट में पैसा जाए, मार्केट में लिक्विडिटी आए, लोग डिमांड करना शुरू करें, डिमांड करना शुरू होने से थोड़े बहुत प्राइस बढ़े, और जो रिसेशन या डिप्रेशन आया हुआ है मार्केट के अंदर वो खराब हो जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों ही खराब सिचुएशन है। वी वांट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेटे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऐसे आएगी। तो देखिए गवर्नमेंट विल रिड्यूस पब्लिक डेट, गवर्नमेंट अपने पब्लिक डेट को घटा देगी, लोगों से उधार लेना बंद कर देगी, ठीक है बेटे। पब्लिक डेट घटाने से बेटे पीपल आर लेफ्ट विद हाई इनकम, ठीक है, पब्लिक डेट कम कर देगी ना, उनसे उधार लेगी नहीं, उधार नहीं लेगी तो उनके पास रुपया रहेगा बेटे। पीपल आर लेफ्ट विद हायर इनकम, लोगों के पास ज्यादा हाई इनकम रहेगी बेटे, हाई इनकम होने से दे विल डिमांड मोर बेटे, दे विल डिमांड मोर, डिमांड ज्यादा करेंगे तो इसे एडी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा बेटे। किसी चीज की डिमांड हाई होती है तो उसके प्राइस भी हाई होने शुरू हो जाते बेटे, और जब प्राइस बढ़ने शुरू होंगे तो डिफ्लेशन की सिचुएशन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, और इकोनॉमी अपने आप को बेटे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में पाएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें अचीव होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिफ्लेशन आपकी सही हो जाएगी बेटे। देखिए लास्ट कंपोनेंट है फिस्कल पॉलिसी का, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। आपको पता है गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है, आरबीआई। गवर्नमेंट को उधार लेना किससे लेगी, आरबीआई से लेगी बेटे, ठीक है। सो गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम आरबीआई द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट को बेटे जब रुपए की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करती है, आरबीआई से बोरो करते बेटे, और ये भी एक फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करने का अच्छा मेजर होता है बेटे, फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करने का एक अच्छा मेजर होता है। तो अब आपको बस यही देखना है कब गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग को बढ़ाएगी आरबीआई से और कब घटाएगी बेटे, ठीक है। वो किसे देखते हुए बढ़ाएगी या घटाएगी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को देखते हुए बेटे। इन्फ्लेशन यानी कि एक्सेस डिमांड,
एक्सेस डिमांड और डिफ्लेशन यानी कि डेफिशिएंट डिमांड बेटे, ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए बेटे, गवर्नमेंट बोरो करती है आरबीआई से क्या करने के लिए, खर्चे करने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए बेटे, ठीक है। तो सोच के देखिए, गवर्नमेंट बोरो करेगी आरबीआई से खर्चे करने के लिए, तो गवर्नमेंट कब खर्चे हाई करती है, कब कम करती है? इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट खर्चे कम कर देती है और डिफ्लेशन में हाई कर देती है। तो अब देखिए कब अपनी बोरोइंग्स को बढ़ाएगी और कब घटाएगी बेटे। देखिए इफ देयर इज अ इन्फ्लेशन प्रिवेल इन द मार्केट, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन हाई है यानी कि एडी हाई है, एडी के कारण प्राइस हाई है बेटे, ठीक है, क्योंकि लोगों की इनकम बहुत ज्यादा हाई है। तो गवर्नमेंट को कोशिश करनी है भाई लोगों की इनकम को कम किया जाए, ठीक है। अब बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई से तो गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ाते हैं बेटे, खर्चे बढ़ेंगे तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। तो अगर इन्फ्लेशन है देन गवर्नमेंट विल डिक्रीज देयर बोरोइंग्स विद आरबीआई, देयर बोरोइंग्स विद RBI। तो बेटे इन्फ्लेशन के केस में गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग को घटा देगी, ठीक है, टू मेक लेस एक्सपेंडिचर, ताकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी कम हो बेटे। एक्सपेंडिचर कम होंगे, ठीक है, खर्चे कम होंगे बेटे, सो दैट खर्चे कम होने से लोगों की इनकम में फॉल आएगा बेटे। खर्चे बढ़ते हैं तो इनकम बढ़ती है, क्योंकि एक का खर्चा दूसरे की इनकम। गवर्नमेंट जितना ज्यादा खर्चा करेगी उतना ज्यादा चांस देगी लोगों को इनकम कमाने का बेटे। इन्फ्लेशन है और अगर बेटे लोगों की इनकम ऑलरेडी हाई है, आप और ज्यादा खर्चे कर दोगे तो वो इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इन्फ्लेशन है जहां बेटे प्राइस लगातार इंक्रीज होते रहते हैं, और हाइपर इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जहां बेटे इन्फ्लेशन की रेट या मैग्नीट्यूड ही बहुत ज्यादा हाई है। एक तो है कि भाई तेजी इन्फ्लेशन आए धीरे धीरे आए, एक होता है इन्फ्लेशन बहुत तेजी से आए बेटे, ठीक है। तो इस इन्फ्लेशन को अगर आपको कंट्रोल करना है तो अपनी बोरिंग को घटा दीजिए, अगर आपको इन्फ्लेशन को हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट करना है तो बढ़ा दीजिए, जो गवर्नमेंट करेगी नहीं। तो सिंपल सी बात है बेटे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट विल रिड्यूस या डिक्रीज देयर बोरोइंग विद आरबीआई, सो दैट द इनकम ऑफ द पीपल विल डिक्रीज, एडी विल डिक्रीज बेटे, और एडी घटने से जो प्राइस का लेवल है वो घटना शुरू हो जाएगा बेटे। प्राइस घटेंगे तो इन्फ्लेशन अपने कंट्रोल में आ जाएगी, हम इन्फ्लेशन को कुंबाट कर देंगे, कुंबाट यानी कि कंट्रोल कर देंगे, ठीक है बेटे। अब देखिए डिफ्लेशन है बेटे, डिफ्लेशन क्या होता है, व्हेन एडी इज लो, ठीक है, प्राइस इज आल्सो लो बेटे, और प्राइस लो क्योंकि इनकम भी बहुत कम है, इनकम नहीं है लोगों के पास तो डिमांड कहां से करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो बेटे एक प्रोड्यूसर बेचेगा कैसे, वो फिर प्राइस घटाते चला जाएगा। तो अगर डिफ्लेशन है बेटे देन गवर्नमेंट विल इंक्रीज देयर बोरोविंग्स विद RBI। तो बेटे इनकम, ठीक है, अगर डिफ्लेशन है बेटे तो गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग्स को बढ़ा देगी, दे विल मेक मोर एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट फिर अपने खर्चे करेगी, बोरोइंग हाई करके, ज्यादा बोरो करके बेटे खर्चा करना शुरू करेगी, ठीक है, एक्सपेंडिचर हाई कर देगी, एक्सपेंडिचर हाई होगी बेटे तो लोगों की इनकम हाई होनी शुरू होगी, इनकम हाई होगी बेटे तो लोग डिमांड हाई करना शुरू करेंगे, डिमांड हाई करना शुरू करेंगे तो प्राइस बढ़ने शुरू होंगे, और प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे बेटे तो जो डिफ्लेशन आई हुई है ना मार्केट के अंदर, जो मंदी का दौर बना हुआ है बेटे वो सही हो जाएगा बेटे। तो ये थी आपकी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को सही करने की बेटे। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे आरबीआई की, जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सही करेगी। थैंक यू वेरी मच बेटे।